इंटरनेशनल न्यूज आपके साथ देखे गए ना रोटी छोटी राती बारों आए सर तीस कितो किसी ने तुम ये आखे हुए साढ़े किसी बारे की आओ तुम चर्च आके ढाली खोल दी या होस्टल खोल दी चले असि ये गल करने प्लेटफॉर्म से भी अपने वो जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं जो उन्होंने 40-40 प्लाट और 10-10 गाड़ियां रखी हुई हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये असल में इसरो का मिशन ये है आप वो फोटो सेशन करने के लिए तो आते हैं लेकिन यहाँ पे आके लोगों की मदद के लिए अपना अपना दिल भी खोले और अपने घर के दरवाजे भी खोले। फैसलाबाद में बहुत सारे लोग हैं मैं आज उनसे फील करता हूँ बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज जिन्होंने हमें पता है कौन कितने फंड ले रहा है और सरकारी तौर पर भी हम इंफॉर्मेशन है हमें तो यहाँ पे आए ना यहाँ पे ये तो नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे और तस्वीरें देख देख के अकबराबाद की और फेसबुक और व्हाट्सएप करें इससे बढ़ के क्रिश्चियनिटी से बढ़ के आप आए यहाँ पे लोगों की मदद करें। हम देखना चाहते हैं कि कितना आपका कौम का कितना दर्द है आपको यही वक्त होता है मुश्किल में जब अपनी कौम मुश्किल में हो मुसीबत में हो तो यही वक्त होता है प्रैक्टिकली इजहार करने का। हम उस दिन अपनी कौम के साथ ही हमने रोड ब्लॉक किया 5 घंटे में खुद वहाँ पे यूनिफॉर्म में बैठा रहा और हमने बिल्कुल किसी पुलिस को गुजरने भी नहीं दिया और फिर हमने अपनी मजहबी रहनुमाओं की इज्जत व्यक्त की। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमने पीसफुल इसको डिस्पर्स करना है और हम समझौते की तरफ जाएंगे। हमने फिर भी उनको इजाज़त दे दी लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गैर मुइना मुद्दत के लिए लोगों को तालाबंदी कर दी जाए उनको घरों में ना बिठाए ये सख्त ज्यादती है और अगर ये ज्यादती अपने लोग भी करेंगे तो फिर खुदा नखास्ता हमें उनके खिलाफ उनके खिलाफ हमें धरना खत्म करने का कह रहे हैं कि ये कम से कम लोगों के ताले भी तोड़े जाएं जो 3-4 घर हैं हमारी बहनें हैं देखें बेटियां हैं हमारी बाहर बेचारी गली में सोने पर। लेकिन उसके साथ मुझे अफसोस भी होता है कि हमारे यहाँ पे हमारे चर्चेस हैं हमारे बड़े मस्जिदान वहाँ हैं ये मेरा ख्याल इन लोगों के बिशप हाउस में होना चाहिए था या किसी को हमारे पैरिश प्रीस्ट में हमारे यहाँ तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। मैं तो मुझे बड़ा देख के दुख हुआ है और मैं समझता हूँ कि हमारे इतने हॉस्टल्स हैं हमारे सिस्टर्स के कॉन्वेंट हैं तो ये हमारे क्यों नहीं जब मुसीबत में यही तो क्रिश्चियनिटी है कि हम मुसीबत में जब लोगों के लिए अपने घर खोल सकते हैं तो अपने लोगों के लिए जब वो गलियों में सो रहे हैं तो अपने हमारे क्यों नहीं घर यहाँ पे चर्चेस क्यों नहीं खोल सकते यहाँ पे स्कूल मिशन का वो भी नहीं खोल सकता वहाँ पे लोगों को बड़ा दुख है। और मैं हमारे बिशप साहब से भी और हमारे फादर साहबान जो उस वक्त बाद में आके मुजाकरात की टीम का हिस्सा बने मैं उनसे कहता हूँ कि फौरी तौर पर सबसे पहले जो वो मुजाकरात कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको ये मनवाएं कि आप ये कम से कम ताले खुलवाएं और कम तो हमारी हमारा सामान अंदर हो हमारी बेटियां अपने घरों में बाकी तो मुजाकरात जो भी नतीजा निकले जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो ज्यादती हुई है अब 3-4 दिन से इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कोई टॉयलेट का इंतजाम है ना यहाँ पे पानी है ना वो बेचारे कुकिंग कर सकते हैं ना अपनी फूड तैयार कर सकते हैं गर्मी में बच्चों के नहाने का मसला होता है तो कुछ भी नहीं है फंडामेंटल राइट्स तो क्या हम बताओ ये तमाशा।